खुदा उनमें तमाम साथियों की, तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम मसीह कौम की सलामती चाहता हूँ। आज मैंने और अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है माइनॉरिटीज़ राइट्स पाकिस्तान, उनके साथ बाहमी सलाह मशवरे से मैंने ये फैसला किया है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी जड़ावाला के लिए बनी थी, मैं उससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ बिल्कुल अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, क्योंकि मैं समझता था कि जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिस मकसद के लिए खुसूसी तौर पर मैंने ज्वाइन किया था, कि मेरा ख्याल था कि हम इस कमेटी के प्लेटफॉर्म से अपने मज़लूम लोगों के लिए, जो मुतासरीन हैं जड़ावाला के, उनके इंसाफ के लिए हम मौसर तरीके से किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिन चीज़ों के लिए मैंने ये ग्रुप को ज्वाइन किया था, इस कमेटी में शामिल हुआ था, वो फुलफ़िल नहीं हो सके। और बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं, खुसूसन अदल व इंसाफ के लिए, कभी आए दिन कोई एक कमेटी को मैंडेट दे दिया जाता है कि वो केसेस को फॉलो करेंगे, कोई दो माह बाद कुछ किसी और ग्रुप को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ये केसेस ख़राब हो रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि इस तरीके से, इस तरह की पॉलिसीज़ इख्तियार करने से हमारे जो मज़लूम लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और जो शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने 16 अगस्त को ये सानहा किया, उनको सज़ा भी नहीं मिल सकेगी। और दीगर और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर मैं किसी दूसरे वक्त में खुल के बात कर सकूँगा, लेकिन मैं अभी बिल्कुल रिटन शक्ल में भी अपना रिज़ाइन जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको और जो कन्वीनियर हैं उनको भिजवा दूंगा, और बिल्कुल आज से मेरा इस जो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर जड़ावाला है उससे मेरा कोई तलक नहीं है, और मैं उसमें रिज़ाइन कर रहा हूँ।